फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। और अभी आज सुबह के 8 बज रहे हैं। काम सब मतलब झाड़ू लगा लिए, पोछा तो अभी नहीं लगाए, झाड़ू लगा लिए, पूजा कर लिए, देव चले गए हैं स्कूल, उसके बाद यही अपना काम कर पाए हैं। आज बाल धो के नहाए भी हैं। ये देखिए, एक ये बाल सफ़ेद हो गया है। ये अभी ये सीधी मांग बाल धुले हैं ना, तो इसलिए दिखता है। अब ऐसे कर लीजिए तो टेढ़ी वाले से तो नहीं दिखता। तो अभी केवल पूजा कर लिए हैं और एक गिलास पानी लाया अपने लिए। गर्म पानी पीते हैं ब्रश करके, नहाने के बाद पीते हैं। आजकल थोड़ा पेट निकल गया है, तो उसके लिए कुछ उपाय कर रहे हैं। अभी जब खुद मुझे फ़ायदा हो जाए तब आप लोगों को बताएंगे। ऐसे दिख रहा है फ़ायदा, तो मुझे दिख रहा है, मतलब कम तो नहीं हो गया अभी, लेकिन ऐसे पेट थोड़ा सा जो टाइट रहता है उससे लूज लग रहा है। देखिए, उम्मीद है कम हो जाए तब आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा नहीं लगता है कि मतलब पेट निकला रहे, और सूट में ज़्यादा दिखता है। साड़ी में रहता है कि हाफ हाफ पेट बढ़ जाता है तो उतना नहीं दिखता, लेकिन सूट में ज़्यादा दिखता है। उधर भी ध्यान दे रहे थे, इधर भी बहुत मुझे खुद बहुत बेकार लग रहा था, तो अभी उसका कर रहे हैं। सब्ज़ी काट लिए हैं, आलू लौकी की सब्ज़ी में बनाने की तैयारी कर चुके हैं। सब्ज़ी काट के तब नहाने गए थे, समय देखे बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो हम कहे पहले नहा ले, पूजा कर ले। पूजा करने से होता है कि जैसे कुछ भी बनाएंगे तो मुंह में डाल लेंगे, और नहीं पूजा करे रहो तो फिर खा नहीं सकते हैं। तो अभी इन लोगों में भी देर था, तो हम कहे चलो अपना काम कर लेते हैं। सब्ज़ी काट लिए हैं, बस सब्ज़ी बनाना है। अभी क्या है, पहले आपसे बात कर लें। बुधवार को सोचे थे बाल में मेहंदी लगा, वही आंवला सीका काई का पैक लगाएंगे, सर में दर्द होने लगा। तो मंगलवार को रात में भिंगोते तो तेल रखना पड़ा सर में, तेल रख लिए। तो फिर अब बुधवार को फिर शैम्पू करो फिर लगाओ, तो काफ़ी समय हो जाता है। वैसे बाल पहले एक दिन पहले शैम्पू करे रहो तो बस सुबह उठ के जब उठो तो बस लगा लो, 3 से 4 घंटा रखना भी रहता है। अभी चलिए पहले पानी पी लेते हैं, फिर चल के सब्ज़ी बनाते हैं। पूरा ज़्यादा गर्म रहता है पानी। आलू प्याज काट के सब रख लिए थे, पूरी तैयारी कर लिए थे, नहाने से पहले ही पूरी तैयारी करके रख लिए थे। वॉइस ओवर इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पंखा चलाए थे और पंखे से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। कि अदरक लहसुन ऐसे ही रेत के रख लेते हैं, एक छोटा सा वो अदरक रेतने वाला होता है ना, ये देखिए इसी से रेत के ऐसे ही डेली रोज़ जब मसाला डालना होता तो ऐसे ही डालते हैं। जब कोई मतलब ग्रेवी बहुत ज़्यादा मसाले वाली बनाती तभी मिक्सी में पीसते हैं। एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच हल्दी, वही छोटी चम्मच है उसी से गरम मसाला डालते हैं, मसाला बस इतना ही डालते हैं। और आलू लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि केवल लौकी बना देंगी ना फ्राई वाले तो ये लोग खाएंगे नहीं, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाती हूँ, तो इसलिए आलू लौकी बना देते हैं ना, तो सब लोग खा लेते हैं। और आलू की साइज़ भी लौकी की साइज़ दोनों बराबर कर देते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा पका देते हैं, तो फिर हो जाता है। देखिए, तेल डाल दिए थे कुकर में, और फिर हींग जीरा और मिर्चा, हींग ज़रूर डालते हैं कि डाइजेस्ट हो जाए। प्याज भून गया है, फिर आलू डाल देंगे इसमें। आलू देखिए एकदम लौकी के साइज़ के काटे थे। अब ये कहते हैं अब सब कुछ खिलाने लगी जितना नहीं खाते थे, आखिर क्या बनाए, ये भी तो रहता है। डॉक्टर सब मना भी किए हैं, आलू ज़्यादा ना खाओ, मसाले ना खाओ, इन लोगों का रहता है ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। लौकी भी डाल देंगे, थोड़ा सा आलू भुनने के बाद आपको मतलब तुरंत तुरंत दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, अब जितने देर में बनता है उतना दिखाओ, तो फिर ऐसे तो वीडियो ही नहीं बन पाएगा। तो फिर थोड़ा सा आलू भुनने के बाद फिर लौकी डाल दिए हैं, फिर मसाला, मसाला डालते समय तो वीडियो नहीं बना पाए थे, तो फिर मसाला डाल के इसके बाद टमाटर डाल देंगे इसमें। और टमाटर डाल के और नमक डाल दीजिए बीच में करके, तो गल जाता है। ऐसे टमाटर खड़ा रहता है तो फिर बच्चे साइड साइड कर देते हैं, और ऐसे नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए पकने को तो गल जाता है। अभी देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से मतलब भुन गई है, टमाटर भी पक गया है, तो अभी पानी डाल के फिर कुकर बंद कर देंगे।
सब्जी बन गई है, साथ के साथ रोटी भी बना रहे थे, सब्जी बना चढ़ा दिए थे तो उसके बाद रोटी भी बना रहे थे, दो तीन तो रोटी बना भी लिए थे। अभी देव को लेके आए हैं, देखिए गर्मी पसीना पसीना पूरा। देव को गए थे स्कूल लेने, देखिए कितना जल्दी सुबह, मतलब 8 बजे तक पूजा भी हो गया लेकिन खाने का समय नहीं मिला। अब इतना में देव के भी लाने का समय हो गया, तो पहले गए थे देव को लेके आ गए, देव गए हैं नहाने, तब तक हम अपना नाश्ता लेके आए हैं, रोटी सब्जी चाय साथ में ही खाते हैं। नाश्ते में रोटी सब्जी और चाय अच्छा लगता है, ऐसे ही आदत पड़ी हुई है। तो अभी लेके आए हैं, दाल चढ़ा भी दिए हैं, अब केवल चावल बनाना है। अभी नाश्ता कर ले फिर चावल बना देंगे, क्योंकि देव को भी खिला के सुलाएंगे हम। देव ऐसे ही हम बिना खाए मैं मतलब सो जाएंगे, जब ओम आएंगे तब हम उठेंगे तो खाएंगे, देव सोएंगे खा के। अभी खाना नाश्ता लेके आए हैं, बहुत गर्मी है, गर्मी अच्छा सुबह काम करते रहो किचन में फिर बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलता कि निकले। और फिर औरतों की आदत भी होती है ना, ये भी कर ले ये भी कर ले ये भी कर ले, अब चाहे तो छोड़ सकते हैं, कुछ काम है जो छोड़ दें तो बाद में करें, अब दाल ही नहीं चढ़ाते, लेकिन फिर लगता है कि खड़े हैं तो ये भी कर दें, केवल चावल बच गया है, चावल भी धो के रख दिए हैं, केवल दाल बन जाए और प्रेशर निकल जाए तो बस कर लेंगे, तो इस वजह से देर भी हो जाता है। अब इकट्ठे सोचे 11:30 तक पूरा खाली हो गए, तो अपने में थोड़ा सा होता है, अपने में कंप्रोमाइज़ कर लो, लेकिन किचन में रहो तो लगता है पहले किचन से पूरा काम ख़त्म करके निकल जाए। अभी चलिए चलिए नाश्ता कर ले, आप लोग भी आ जाइए। ये तो कहने की बात होती है, कोई आएगा तो है नहीं, खाएगा भी नहीं, लेकिन खाओ तो अच्छा नहीं लगता कि किसी और को बोलो नहीं। चलिए फिर पहले नाश्ता कर ले। अभी नाश्ता करके आए थे हम, तो वैसे तो आपको पता ही होगा आज 3 सितंबर है, कल सिद्धार्थ शुक्ला ख़त्म हो गए, टीवी के बिग बॉस के विनर थे, तो अभी न्यूज़ देख रहे थे, कल बताया था कि आज अंतिम संस्कार होगा, तो हम कहे देखे टीवी चला के, बहुत दुख हुआ, हम तो उसके बहुत बड़े फ़ैन थे। और बिग बॉस तो वैसे भी हम शुरू से देखते हैं, मतलब लगभग सीजन 4 से ही देखते हैं, सबसे अलग नेचर इसका, मतलब जो था वो खुल के था, अच्छा हो बुरा हो, इस तरह हार्ट अटैक हो गया, मतलब देख के यकीन नहीं होता सच में, मतलब चले गए, लगता है नहीं ये झूठ न्यूज़ है। और सुशांत भी जब गया था तो तब तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था, क्योंकि खुद से मतलब कुछ कर लिया था तो ये लगता था कि क्यों किया, लेकिन ये तो खैर अटैक आया तो इसमें मतलब इंसान का बस भी नहीं चलता, ये तो भगवान की मर्जी ही कहेंगे, फिर क्या बताएं। और फिर शहनाज भी रिलेशन में तो शायद थे ये, सबसे ज़्यादा लगता है उनकी माँ का, बूढ़ी माँ है, हस्बैंड पहले से चले गए हैं, और इसको इतना बारीकी से देखे। बिग बॉस में देखने से ये होता है ना, जैसे रोज़ का लाइफ उनका देख लेना, उनके बारे में जान लेना, तो थोड़ा दर्द होता है। और क्योंकि इस बार वाले जब सिद्धार्थ था तब उस वाले बिग बॉस में तो लगभग 4 या 5 महीना चला था, 20 हफ्ता, तो लगभग 5 महीना लगभग हो गया था, तो ज़्यादा ही लंबा चला था। और अभी पिछली बार था जैसे फरवरी में या मार्च के स्टार्टिंग में ख़त्म हुआ था बिग बॉस, फरवरी में ख़त्म हुआ था शायद, तो 2020 हो गया था, तो वैसे तो जनवरी स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस बार फरवरी लास्ट तक में ख़त्म हुआ था, बहुत दुख हुआ। मतलब मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन थी, और क्या मतलब बोले, शब्द नहीं है, अभी लगा कि आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। वैसे तो बहुत लोग फ़ैन होंगे बिग बॉस, तो खैर देखते होंगे बहुत लोग, मैं तो मतलब पहले तो शुरू में जब मैं देखती थी 9 बजे आता था तो मैं केवल देखती थी, ये नहीं रहते थे तो मैं देख लेती थी, फिर बाद में जब 10:30 बजे आने लगा तो देख
देखे तो ये गुस्सा करे, क्या लड़ाई देखती हो, क्या लड़ाई देखती हो। तो देखने लगे तो इनको भी समझ में आने लगा, रोज़ देखिए तो समझ में आता है। ये भी देखते थे, कल इन्होंने भी सुना तो पहले बताओ कैसे ख़त्म हो गया। क्या करें भैया, किसी की मतलब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई कितना दिन है, कब तक है, अभी हंस रहे हैं बोल रहे हैं, अभी क्या हो जाए कोई पता नहीं। चलिए फिर ऐसे भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो थोड़ा सा लाख जानते हैं, हम लोगों से तो बहुत दूर है, लेकिन टीवी के थ्रू ही जुड़ जाता है इंसान, उससे भी जुड़ जाता है तो फिर हो जाता है जुड़ाव उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंटरेस्ट रखते हैं हम लोग। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी माँ को हिम्मत दे। न्यूज़ भी दिखा रहा है, फिर वो भी देख रहे हैं अंतिम संस्कार पहले हुआ, घर पर जाएंगे लेके पार्थिव शरीर को, अब हो रहा है डायरेक्ट वहीं ले जाएंगे, कोई आश्रम है वहाँ ले जाएंगे, वहीं पर होगा। यहीं पे एंड करते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके।